वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरआरबी कोलकाता के अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं उनका रीमेडिकल कराया जा रहा है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट एएलपी के लिए A1 या B1 कैटेगरी में, जो भी टेक्नीशियन का कैटेगरी है, उसमें यदि आप अनफिट हुए, ठीक है, तो आपको एक सेकेंड चांस मिला है, सेकेंड मौका मिला है कि आप मेडिकल रीमेडिकल में आप आइए, ठीक है। और उसमें यदि आप फिर से पास कर जाते हैं तो आपको फिर से जॉब मिल सकती है, ठीक है। मेन लिस्ट में यदि आपका कंफर्म है तो आपको जॉब मिल सकती है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, ठीक है। एंड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना ना भूलिए, ठीक है। एंड इस चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आरआरबी कोलकाता का ऑफिशियल वेबसाइट खोला हूँ, ठीक है। इसमें ये नोटिफिकेशन है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ देख भी सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देख सकते हैं आरआरबी कोलकाता। आरआरबी कोलकाता है, ठीक है, यह मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है नोटिस रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन बाय डिविजनल मेडिकल बोर्ड मेंबर कमेटी CN01/2018, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा हुआ आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी टेक्नीशियन अगेंस्ट CN01/2018 कंडक्टेड एट आरआरबी कोलकाता ऑफिस फ्रॉम 20/6/2019 टू 15/7/2019 कैंडिडेट्स वे सेंड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टू द फॉलोइंग रेलवे हॉस्पिटल, ठीक है। ये सारे जितने भी हॉस्पिटल है यहाँ पर कैंडिडेट्स का मेडिकल हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं, इन मेडिकल एग्जामिनेशन सम ऑफ द कैंडिडेट्स हैव बीन फाउंड अनफिट इन द मेडिकल कैटेगरी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑप्टेड बाय देम, ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स थे वो यदि मेडिकल एग्ज़ाम में A1, B1, B2 जो भी है एएलपी या टेक्नीशियन में अनफिट हुए तो उनको दोबारा मौका दिया गया, सेकेंड चांस दिया गया कि री मेडिकल आपका होगा, ठीक है। यदि उसमें आप पास कर जाते हैं तो आपको कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, और री मेडिकल में देखिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना, री मेडिकल में फ्रेंड्स जो 3 मेंबर कमेटी बैठेगी, ठीक है, 3 मेंबर, 3 हेड डॉक्टर्स रहेंगे वहाँ पर। आपका जिस दिन री मेडिकल होगा उस दिन आपका 3 मेंबर कमेटी रहेगा, वो आपका जांच करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो वो दिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से मेडिकल दीजिए सो देट आप पास कर जाएँ। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट टू आरआरबी कोलकाता ऑफिस फॉर इशू ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी लेटर, ठीक है। प्रॉपर अथॉरिटी लेटर फॉर रिपोर्टिंग टू द कंसर्न हॉस्पिटल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द डिविजनल मेडिकल कमेटी 3 मेंबर कमेटी एज पर द शेड्यूल गिवन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि जो भी आपका यदि इस नोटिस में आपका नेम है, रोल नंबर आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको जाना है, कहाँ जाना आप देख सकते हैं, आरआरबी कोलकाता ऑफिस, आरआरबी कोलकाता के हेड ऑफिस जाना है। वहाँ आपको इशू एक प्रॉपर अथॉरिटी लेटर इशू किया जाएगा कंसर्न हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। आप ऐसे ही किसी हॉस्पिटल में नहीं जा सकते आरआरबी कोलकाता के अंडर, आपको एक इशू लेटर किया जाएगा, लेटर इशू किया जाएगा, उसमें आपको कंसर्न हॉस्पिटल लिखा रहेगा, आपको उसी हॉस्पिटल में उसी डेट में जाना है, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है, कैंडिडेट्स शुड रिपोर्ट टू आरआरबी कोलकाता ऑफिस विद द फॉलोइंग, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है हेड ऑफिस जो कि गार्डन रीच है कोलकाता का। कैंडिडेट्स फॉइल कॉपी फॉर द एडमिट कार्ड इशूड प्रोविजनली फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपका कॉल लेटर था वो आपको लेके जाना है। ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो भी आपका आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, दोनों लेके जाइएगा, ठीक है। और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, तो पासपोर्ट साइज मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम 8 कॉपीज़ आप लेके जाइए, ठीक है, ओरिजिनल का। यहाँ पर देखिए और एक चीज़ लिखा है कि सिंस सच मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस मे टेक सम टाइम, कैंडिडेट शुड कम वेल प्रिपेयर्ड फॉर 2 से 3 दिन, ठीक है।
तो आपको रिपोर्ट करने के बाद हो सकता है आपको 2 से 3 दिन लग जाए मेडिकल के लिए, तो 2 से 3 दिन मैक्सिमम 2 डेज में आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विद डेट एंड टाइम टू रिपोर्ट एट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 5/8/2019 10 बजे आपको रिपोर्ट करना है 5/8/2019 में, ठीक है। इस दिन आप बिल्कुल लेट मत होइएगा, न तो हो सकता है आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाए। तो ध्यान से 5/8/5/2019 को 10 बजे आप रिपोर्ट कर दीजिएगा RRB कोलकाता हेड ऑफिस, जो कि गार्डन रिच में है, ठीक है। यहाँ से आप कैंडिडेट्स अपने रोल नंबर, कैंडिडेट नेम और यहाँ पर हॉस्पिटल नेम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, रिक्वायर्ड मेडिकल कैटेगरी A1, B1, C1 जो भी है, यहाँ फिट मेडिकल कैटेगरी आप किस में फिट थे ये भी लिखा हुआ है, और अनफिट मेडिकल कैटेगरी किस में आप अनफिट हुए, देखिए ये कैंडिडेट अनफिट इन A1, ये कैंडिडेट अनफिट इन A1, ठीक है। तो ये आप पूरा स्क्रॉल करके चेक कर लीजिएगा, जो भी कैंडिडेट अनफिट हुए थे मेडिकल में उनका नाम इसमें है कि नहीं, ठीक है। इसमें स्क्रॉल करके चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए दूसरी लिस्ट, जिसमें इसमें आप चेक कर लीजिएगा, इसमें दूसरी लिस्ट में 6/8/2019 को था, एक 5/8 और 6/8/6 अगस्त को बुलाएगा 10 बजे, ठीक है। सुबह का 10 बजे आपको रिपोर्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, हॉस्पिटल नेम, ठीक है। रिक्वायर्ड मेडिकल कैटेगरी किस में आपको रिक्वायर्ड है, A1, B1। फिट मेडिकल कैटेगरी आप किस में फिट थे, और अनफिट में आप देख सकते हैं यहाँ A1 में कितने लोग अनफिट हुए थे RRB कोलकाता में। फिर एक कैंडिडेट यहाँ पर 7/8/2019 में भी आपको 10 बजे है, ठीक है। इसमें भी आप अपना नेम, रोल नंबर चेक कर लीजिएगा, और मेन चीज़ है हॉस्पिटल चेक कर लीजिएगा, ठीक है, किस हॉस्पिटल कंसर्न हॉस्पिटल में आपको जाना है। फिर 8/8/2019, फिर 9, नौ अगस्त को आपका लास्ट है, ठीक है, रीमेडिकल के लिए 10 बजे आपको, पहले तो आपको RRB कोलकाता हेड ऑफिस गार्डन रिच जाना है, वहाँ से आपको एक इशू किया जाएगा लेटर, जिसमें आपको हॉस्पिटल नेम वगैरह सब कुछ लिखा रहेगा, वो लेटर लेके आपको हॉस्पिटल जाना है, ठीक है, वहाँ आपका रीमेडिकल होगा। तो आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स कि आपका रीमेडिकल हो रहा है, तो ये एक सेकेंड चांस आपको मिला है, ठीक है। तो इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिएगा, अच्छे से मेडिकल पास कीजिएगा, ठीक है। तो ये एक आखिरी मौका है, इस आखिरी मौके को आप अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा आपको तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, यदि आपको कोई डाउट है मेडिकल को लेकर, कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।